हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे सर्वेइंग के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज सर्वेइंग में पढ़ेंगे, चेन सर्वेइंग में कुछ पार्ट जो छुटा हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों करेक्शन इन सर्वेइंग, करेक्शन पढ़ रहे थे ना। तो करेक्शन में हमने टेम्परेचर करेक्शन पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने पुल करेक्शन पढ़ा था, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद जो करेक्शन था, सैग करेक्शन, स्लोप करेक्शन, उसको समझने से पहले आपको समझना होगा चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। स्लोपिंग ग्राउंड पे कैसे उसका चेनिंग करते हैं उसके बारे में। अच्छा सर, आपको क्या मतलब चेनिंग का मतलब क्या समझते हैं? देखिए, मान लीजिए आपका जो ग्राउंड है प्यारे बच्चों, इस तरह से क्या है, अनडुलेटेड है, स्लोप है ना। तो स्लोपिंग ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीजर करना, मान लीजिए पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी है, और कैसा है ये, कैसा है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, अनडुलेटेड एरिया है ना। तो अनडुलेटेड एरिया का कैसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने का जरूरत इसलिए पड़ता है कि जब तक कि किसी भी एरिया का आपको प्लान नहीं पता होगा, उसका लेंथ नहीं पता होगा, तब तक हम उसमें कौन सा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, कितने साइज का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वो हमको पता नहीं चलेगा। तो किसी भी स्लोपिंग ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना, किसी भी स्लोपिंग ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना क्या कहलाता है, चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। स्लोपिंग ग्राउंड में स्लोप है सर जी, स्लोप है ना प्यारे बच्चों। तो स्लोपिंग ग्राउंड पे, स्लोपिंग ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना क्या कहलाता है, चेनिंग कहलाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमको वही पढ़ना, चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। तो चेनिंग जो करते हैं प्यारे बच्चों, दो मेथड से करते हैं। किसी भी स्लोपिंग ग्राउंड पे जो चेनिंग करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो दो मेथड से करते हैं प्यारे बच्चों। पहला है आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। अब प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड में भी तीन चीज आता है, तीन पार्ट्स होते हैं। पहला मेजरिंग स्लोप ऑफ ग्राउंड, डिफरेंस इन लेवल मेजर्ड, और तीसरा है हाइपोटेंशियल अलाउंस। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, पहला बात हमने बोला चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड का मतलब क्या होता है, किसी भी स्लोपिंग ग्राउंड में किसी दो पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना। बात समझ में आया? अब देखिए प्यारे बच्चों, मेथड क्या है, मेथड ऑफ चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड है प्यारे बच्चों। दो मेथड्स हैं स्लोपिंग ग्राउंड पे चेनिंग करने के, दो मेथड्स है। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड में भी तीन पार्ट्स है। पहला है मेजरिंग स्लोप ऑफ ग्राउंड, दूसरा है डिफरेंस इन लेवल मेजर्ड, और तीसरा है हाइपोटेंशियल अलाउंस। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो बारी बारी से हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे डायरेक्ट मेथड, है ना, डायरेक्ट मेथड देखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम जो है वो स्टेपिंग मेथड भी है। क्या बोले, डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या, स्टेपिंग मेथड। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज मेथड ऑफ स्टेपिंग। क्या कहा जाता है, मेथड ऑफ स्टेपिंग भी इसको कहा जाता है ना। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द स्लोप ऑफ द ग्राउंड इज इररेगुलर। प्यारे बच्चों, डायरेक्ट मेथड वैसे ग्राउंड के लिए, वैसे स्लोपिंग ग्राउंड के लिए सुटेबल है जो इररेगुलर है, अनडुलेटेड है, मतलब उखड़ खाबड़ है। जबकि इररेगुलर आपका जो इनडायरेक्ट मेथड होगा प्यारे बच्चों, उसमें बताएंगे रेगुलर, क्या बताएंगे, रेगुलर ग्राउंड के लिए सुटेबल होगा। बट आपका जो डायरेक्ट मेथड है वो किसके लिए सुटेबल है, इररेगुलर ग्राउंड, मतलब जो अनडुलेटेड ग्राउंड है। क्या है, जो अनडुलेटेड ग्राउंड है। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो पहला बात हमने बोला कि डायरेक्ट मेथड को मेथड ऑफ स्टेपिंग भी कहा जाता है, और ये जो मेथड ऑफ स्टेपिंग है या जो डायरेक्ट मेथड है वो सुटेबल किसके लिए है, वैसा स्लोपिंग ग्राउंड जो क्या है, इररेगुलर शेप का है, जो कैसा है, इररेगुलर शेप का है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, करते कैसे है वो हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इसको करने के लिए दो आदमी की जरूरत पड़ेगा, एक जो सर्वेयर होगा वो, और एक उसका हेल्पर होगा। एक सर्वेयर होगा और एक हेल्पर होगा। हेल्पर क्या करेगा प्यारे बच्चों, ये ए पॉइंट पे खड़ा हो जाएगा, और जो चेन है ना, चेन का जो जीरो एंड होगा, चेन का जो जीरो एंड होगा वो लेकर यहां पे खड़ा हो जाएगा। और जो सर्वेयर होगा वो क्या करेगा, चेन को आगे लेकर जाएगा, चेन को क्या करेगा, आगे लेकर जाएगा, और क्या करेगा, चेन को आगे ले जाकर रेंजिंग रोड के सहारे यहाँ पे फिक्स कर देगा। ये मान लीजिए रेंजिंग रोड है, रेंजिंग रोड के सहारे यहाँ पे फिक्स कर दिया। मान लीजिए ये जो है ना वर्टिकल मेंबर, वो रेंजिंग रोड है, रेंजिंग रोड के सहारे इसको क्या कर देगा, फिक्स कर देगा।
अब सर जी जब फिक्स कर दिया तो L1 डिस्टेंस उसको पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ चेन, क्योंकि वो चेन है, चेन में मार्किंग रहेगा, तो मार्किंग के मदद से L1 पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए L1 पता चल गया प्यारे बच्चों। अब ये जो हेल्पर है वो किसके पोजीशन पे आ जाएगा, लीडर के पोजीशन, लीडर यहां पे था, अब लीडर के पोजीशन पे आ जाएगा। अब फिर से सेम प्रोसीड्यूर, चेन लेके आगे बढ़ेगा, L2 पता कर लेगा, फिर L3 पता कर लेगा, L4 पता कर लेगा, L4 पता कर लेगा। तो प्यारे बच्चों हम बोल सकते हैं कि टोटल AB का जो डिस्टेंस है, ये AB, टोटल AB का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, हम बोल सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 बोल सकते हैं या नहीं, एकदम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम स्लोपिंग ग्राउंड का चेनिंग करते हैं डायरेक्ट मेथड में। दो 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 आदमी का मदद होना चाहिए, एक आपका हेल्पर होगा, एक आपका सर्वेयर होगा। हेल्पर क्या करेगा, जीरो एंड वाला जो चेन होगा, जैसे चेन है ना, मान लीजिए ये चेन है प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये चेन है, ये चेन है, तो मान लीजिए कोई जीरो इंड वाला, जो जीरो इंड वाला जो हेल्पर यहाँ लेके चल जाएगा, बैठा रहेगा, और जो सर्वेयर होगा वो आगे खींच के ले जाएगा, स्ट्रेच करके, स्ट्रेच में खींच कर आगे ले जाएगा, और रेंजिंग रॉड के सारे उसको क्या कर देगा, यहाँ पे फिक्स कर देगा। L1 पता कर लिया, L1 पता कर लिया, अब क्या करेगा, जो हेल्पर था, हेल्पर जो था, अब कहाँ आ जाएगा, लीडर के पोजिशन पे आएगा, लीडर के पोजिशन पे आने के बाद क्या करेगा, इन जो सर्वेयर होगा फिर आगे ले जाएगा, इसी तरह से प्रोसीड्यूर करते रहेगा। और L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 क्या होगा प्यारे बच्चों, इसी AB का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। तो ये एक मेथड कहलाता है स्टेपिंग मेथड और डायरेक्ट मेथड। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट, लेट इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी, लेट स्किप लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज नॉट ग्रेटर देन 1.8 मीटर। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये पहला जो स्टेप जो है ना, ये जो स्टेप देख रहे हैं ना, वो 1.8 मीटर से ज्यादा का लेंथ नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा पहला जो स्टेप होगा ना, ये जो स्टेप आप देख रहे हैं, लेंथ L1, L2, L3, L4, इसका जो लेंथ होना चाहिए 1.8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये मेथड कैसे करते हैं, ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, स्लोपिंग ग्राउंड में क्या करते हैं, हेल्पर, जो हेल्पर होता है, हेल्पर होल्ड जीरो एंड ऑफ द चेन एट ए, लीजिए सर ये है ना, ए ए और बी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करने मतलब ये डिस्टेंस है ना, ए बी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करने मतलब ये डिस्टेंस। हमने क्या बोला, ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, स्लोपिंग ग्राउंड पे हेल्पर क्या करेगा, जीरो चेन का जो जीरो एंड वाला होगा वो ए पे खड़ा होके पकड़ लेगा, ए पॉइंट पे खड़ा होके होल्ड करके रखेगा, है ना। एंड लीडर, लीडर करने का मतलब है सर्वेयर, एंड लीडर टेक अदर एंड ऑफ द चेन, और लीडर क्या करेगा, चेन का दूसरा एंड ले लेगा, पकड़ लेगा, एंड मूव ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द स्लोप, एंड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है स्लोप का उधर मूव करेगा, ठीक है ना। द लीडर देन स्ट्रेच द चेन इन द एंड पॉइंट, चेन के एंड पॉइंट पे स्ट्रेच कर देगा, खड़ा कर देगा, सीधा खींच लेगा, सीधा खींच लिया, खींचने के बाद क्या करेगा प्यारे बच्चों, विद द हेल्प ऑफ रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड के सहारे उसको क्या कर देगा, फिक्स कर देगा, है ना, फिक्स कर देगा। फिर देन हेल्पर देन मूव एट द पोजिशन ऑफ द लीडर, अब क्या हो गया, हेल्पर जो है वो लीडर के पोजीशन पे आ गया, एंड सेम प्रोसीड्यूर हैज बीन रिपीटेड, और इसी तरीके से रिपीट करते चला जाना है। तो हम क्या देखेंगे, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। बात समझ में आया प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड बहुत ही आसान है, डायरेक्ट मेथड को स्टेपिंग मेथड भी कहा जाता है। यह मेथड जो है प्यारे बच्चों वैसे स्लोपिंग ग्राउंड के लिए करेंगे जो क्या है, इररेगुलर है, कैसा है, इररेगुलर है, उकड़ कावर है ना, उखड़ा कावर है, ठीक है प्यारे बच्चों। कैसे करते हैं वो मेथड आपने हमने बता दिया, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलेंगे इनडायरेक्ट मेथड की ओर, तो चलिए प्यारे बच्चों सब अब देखेंगे हम लोग इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। तो प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट मेथड सबसे पहले समझिए, इनडायरेक्ट मेथड जो है रेगुलर और इवन स्लोपिंग के लिए सुटेबल है। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, देखिए डायरेक्ट मेथड में हमने क्या बोला था कि अनइवन मतलब इस तरह उखड़ खाबड़ होगा तो सुटेबल होगा, और आपका इनडायरेक्ट मेथड जो होगा वो रेगुलर स्लोपिंग या इवन स्लोपिंग के लिए सुटेबल है, कहीं पर भी अंडुलेशन नहीं, उखड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट मेथड सबसे पहला बात हमने क्या बोला कि इनडायरेक्ट मेथड जो है वो इररेगुलर स्लोप एंड इवन स्लोप के लिए सुटेबल है, पहला बात। फिर हमने बोला इस मेथड में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, स्लोपिंग ग्राउंड का स्लोपिंग लेंथ फाइंड करते हैं, स्लोपिंग ग्राउंड का स्लोपिंग लेंथ दैट मीन्स एल फाइंड करते हैं, एल फाइंड करने के मदद से, एल के मदद से हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इनडायरेक्ट मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, स्लोपिंग ग्राउंड का
स्लोपिंग ग्राउंड का जो स्लोपिंग लेंथ है वो पता करते हैं और इसके मदद से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करते हैं। तो चलिए पहले बच्चों हमने क्या बोला, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द ग्राउंड इज रेगुलर और इवन। आपका ग्राउंड कैसा है, रेगुलर है, एकदम रेगुलर और इवन है। इन दिस मेथड फर्स्ट स्लोपिंग लेंथ इज मेजर, इस मेथड में सबसे पहले हम स्लोपिंग लेंथ को मेजर करते हैं एंड देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड, उसके बाद ही हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने इनडायरेक्ट मेथड में तीन तरीके का मेथड बताया था, पहला क्या था मेजरिंग स्लोप ऑफ ग्राउंड। देखिए प्यारे बच्चों मेजरिंग स्लोप ऑफ ग्राउंड में क्या करते हैं, ये जो आपका स्लोपिंग लेंथ है वो चेन के मदद से इसका लेंथ मेजर कर लिए, चेन के मदद से स्लोपिंग लेंथ पता कर लिए एंड क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या पता कर लेते हैं एंगल, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों आ सकता है। क्लिनोमीटर इज यूज्ड फॉर टू फाइंड द क्या फाइंड करेंगे लेंथ एंगल, तो मारिएगा एंगल। क्लिनोमीटर एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, क्लिनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एंगल मेजर करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों इस मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेन के मदद से स्लोपिंग लेंथ को फाइंड करते हैं एंड क्लिनोमीटर के मदद से एंगल फाइंड करते हैं, लेंथ फाइंड कर लेते हैं चेन के मदद से, एंगल फाइंड कर लेते हैं क्लिनोमीटर के मदद से। और प्यारे बच्चों लेंथ और एंगल के मदद से हम लोग क्या निकाल लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कैसे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस आपका ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड हाइपोटेनियस आपका लेंथ है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर डी बाई एल, तो डी बराबर क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, और डी ही तो हमको निकालना था क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा इसमें, इन दिस मेथड द स्लोपिंग लेंथ आर मेजर्ड विद चेन, चेन के मदद से आप क्या कीजिएगा जो ये स्लोपिंग लेंथ को मेजर कर लीजिएगा एंड द एंगल इज मेजर्ड बाय क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर के मदद से एंगल पता कर लीजिएगा। नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ स्लोपिंग लेंथ एंड एंगल, स्लोपिंग लेंथ एंड एंगल के मदद से वी फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, टू पॉइंट्स के बीच में मतलब ए पॉइंट एंड बी पॉइंट्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, कैसे भाई, तो ये मेथड है, ये फॉर्मूला है ना cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस, वहां से निकल गया। तो प्यारे बच्चों पहला हमने पढ़ लिया मेजरिंग स्लोप ऑफ ग्राउंड, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट मेथड में दूसरा मेथड क्या था डिफरेंस इन लेवल मेजर, क्या करते हैं प्यारे बच्चों मान लीजिए ये आपका स्लोपिंग ग्राउंड है, पहले बात इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो ये मान के चलते हैं कि ग्राउंड क्या है इरेगुलर है इवेन है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों डिफरेंस इन लेवल मीडियट में क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए ए एंड बी, ग्राउंड आपका क्या है ए एंड बी, ए और बी के, ए और बी के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट मींस डी फाइंड करना है, ग्राउंड स्लोप आपका ए एंड बी है, ए एंड बी का आपका क्या फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट मींस डी फाइंड करना है। तो इस मेथड में क्या करते हैं प्यारे बच्चों विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के मदद से दोनों के बीच का लेवल पता कर लेते हैं, मान लीजिए ए और ओ, ए और ओ के बीच का डिस्टेंस पता कर लिया प्यारे बच्चों, बात समझ में आया, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के मदद से लेवल डिफरेंस पता चल गया, एच पता चल गया एंड चेन के मदद से हमको स्लोपिंग लेंथ पता चल गया। तो प्यारे बच्चों स्लोपिंग लेंथ एंड लेवल डिफरेंस के मदद से हम क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते, एकदम फाइंड कर सकते हैं, हमको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंबवत का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या बोले प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए प्यारे बच्चों आपका हाइपोटेनियस क्या है एल, तो एल स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहां से आप डी निकाल लीजिएगा, डी स्क्वायर बराबर क्या होगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो डी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो देखिए प्यारे बच्चों यही बात इसमें लिखा हुआ है, द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द पॉइंट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के आधार मदद से आपको क्या निकाल लेना है लेवल डिफरेंस पता कर लेना है एंड स्लोपिंग लेंथ इज फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ चेन एंड चेन के मदद से स्लोपिंग लेंथ को फाइंड आउट कर लेना है। अब क्या करेंगे स्लोपिंग लेंथ एंड लेवल डिफरेंस की मदद से हम क्या निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, विद द हेल्प ऑफ स्लोपिंग लेंथ एंड लेवल डिफरेंस वी कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द स्लोपिंग ग्राउंड, जैसा कि आप देख रहे हैं ना। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, डिफरेंस इन लेवल मीटर से भी आसानी से हम क्या कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसी भी स्लोपिंग ग्राउंड का कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे हाइपोटेंशियल अलायंस। प्यारे बच्चों जब भी आपको आएगा लिखने के लिए आता है प्यारे बच्चों
कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ चेनिंग ऑन द ग्राउंड ऑन स्लोपिंग ग्राउंड एंड एक्सप्लेन एनी वन मेथड। तो प्यारे बच्चों जब भी आप एक्सप्लेन करने जाइएगा तो इस मेथड को मत उसमें कंसीडर कीजिएगा। हाइपोटेंशियल अलाउंस, हाइपोटेंशियल अलाउंस क्या है प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल में आता है तो हाइपोटेंशियल अलाउंस को थ्योरी में कंसीडर मत कीजिएगा। लिखिएगा दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। या तो डायरेक्ट मेथड को एक्सप्लेन कर दीजिएगा चाहे इनडायरेक्ट मेथड को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर दोनों मेथड को एक्सप्लेन करना है तो डायरेक्ट मेथड पहले एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर इनडायरेक्ट मेथड में दो ही मेथड को एक्सप्लेन कीजिएगा। पहला कौन सा था, मेजर्ड बाय स्लोपिंग लेंथ, दूसरा था लेवल ऑफ डिफरेंस। ये दो, तीसरा को मेंशन मत कीजिएगा, ठीक है ना, थ्योरी में। बट न्यूमेरिकल अगर आ जाता है कि हाइपोटेंशियल अलाउंस के निकाल ले तो कैसे निकाला जाता है वो समझिए। तो प्यारे बच्चों हाइपोटेंशियल अलाउंस में क्या होता है, ये देखा क्या जाता है, जनरली ये देखा जाता है कि जो स्लोपिंग ग्राउंड का जो लेंथ निकालना होता है उसमें उसमें दिक्कत आ जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, इसका AA डैश का एरर आ जाता है। तो यही AA डैश निकालना हाइपोटेंशियल अलाउंस कहलाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों AA डैश कैसे निकाला जाता है, AA डैश बराबर लिख सकते हैं AB माइनस A डैश B, AB माइनस A डैश B लिख सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो एंगल cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या है, BC। बेस आपका क्या है प्यारे बच्चों, BC। बट हाइपोटेनियस क्या है, AB। हाइपोटेनियस क्या है, AB। तो प्यारे बच्चों AB को क्या लिख सकते हैं, AB को यहां से AB बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, AB बराबर BC बटे cos थीटा लिखेंगे ना, BC बटे cos थीटा। तो AB बराबर हमने लिख दिया BC बटे cos थीटा। अब देखिए प्यारे बच्चों A-B जो है ना, A-B जो है वो BC के ही बराबर, इसीलिए तो इधर आता है। A-B क्या है, BC के बराबर है। तो हमने A-B को क्या कर दिया, BC। BC BC 1 बटे cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। BC को कॉमन लिया तो sec थीटा माइनस 1, और BC को मान लिए L, क्या मान लिए L। तो A-B क्या होता है, L into sec थीटा माइनस 1। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको क्या आता है, हाइपोटेंशियल अलाउंस निकालने के लिए आता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, L into sec थीटा माइनस 1, ठीक है ना। बट थ्योरी में इसका यूज नहीं कीजिएगा जब आएगा चेनिंग ऑन द स्लोपिंग ग्राउंड निकालने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा खत्म हुआ कौन सा, मेथड ऑफ चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। स्लोपिंग ग्राउंड में कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं चेनिंग करने के लिए, तो उन सारे मेथड को हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है बराबर पूछा जाता है और पूछा गया है SBT में, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थ्योरी को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे सैग करेक्शन, है ना, सैग करेक्शन। देखिए प्यारे बच्चों देखेंगे सैग करेक्शन क्या है, ए और बी के बीच का हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है, ए और बी के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए हमारे पास दो आदमी है, दो सर्वेयर है, एक ए के पास है जो चैन को पकड़े हुए, दूसरे इंड को पकड़े हुए, दूसरा आदमी बी है ना। प्यारे बच्चों चेन का कुछ ना कुछ तो वेट होता है, जब उसको खींचता है, जब एक आदमी दूसरा आदमी दोनों चैन को खींचता है तो वह स्ट्रेट नहीं रहता है, वह स्ट्रेट नहीं होता, अपने वेट के कारण कुछ ना कुछ वो झुक जाता है। तो प्यारे बच्चों एग्जैक्ट वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं बताता है, थोड़ा सा ज्यादा बताता है, ऑलवेज ज्यादा ही बताता है, ऑलवेज हमेशा वेट के कारण नीचे झुक जाएगा हमेशा, तो हमेशा क्या होगा लेंथ ज्यादा ही बताएगा। तो ऑब्जेक्टिव में यह पॉइंट याद रखिएगा, सैग करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, सैग करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों ओरिजिनल लेंथ कम और गलत वाला लेंथ ज्यादा रहेगा, तो गलत वाला लेंथ घटाएगा तो हमेशा निगेटिव आएगा, तो करेक्शन हमेशा निगेटिव आएगा। सैग करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, सैग करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव। चलिए प्यारे बच्चों अब हम यहां पे देखेंगे सैग करेक्शन, अगर हमको न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आता नहीं, आया हुआ न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल आता है सैग करेक्शन से, तो देखिए सैग करेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल क्यू। एल क्या हुआ है, लेंथ ऑफ चेन, क्या है, टोटल लेंथ ऑफ चेन है ना, एल क्यू। 24 इंटू पीएम, पीएम क्या है, पुल। पहले बच्चों दो सर्वेयर जो पुल कर रहा होगा, कितना फोर्स से चेन को पुल कर रहा है, तो पुल, तो देखिए पुल होगा तो क्या चीज में, इसको न्यूटन में रखिएगा, लेंथ को मीटर में रखिएगा, और डब्ल्यू को मास को, मास ऑफ द चेन होगा, जो मास ऑफ चेन या टेप जो भी हो, मास ऑफ चेन या टेप जो होगा वो केजी में रखिएगा, क्या चीज में रखिएगा, इन केजी, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बात समझ में आया। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, सैग करेक्शन। तो पहला बात आपको ये समझना है प्यारे बच्चों, सैग करेक्शन जो होता है चेन के वेट के कारण जो झुकाव हो जाता है, जिससे ओरिजिनल लेंथ नहीं बता पाते हैं, तो वही होता है सैग करेक्शन, बात समझ में आया। तो सैग करेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू बटे 24 पीएम का होल स्क्वायर, जहां पे डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ चेन है, एल क्या है, लेंथ ऑफ चेन है, पीएम क्या है, तो पुल है,
कितने कितना बल लगाकर खींचा जा रहा है चेन को, ठीक है ना। तो ये है, और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि सैग करेक्शन क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। सैग करेक्शन क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन है सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, इस टाइप के ये क्वेश्चन जो है आपके सेमेस्टर में पूछा गया है सैग करेक्शन निकालने के लिए। आपको क्या बोला है, स्टील टेप है जिसका की लेंथ क्या है 30 मीटर है, पुल आपको दिया हुआ है 100 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ स्टील, इसका मतलब आप समझ लीजिए प्यारे बच्चों, 1 क्यूबिक मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना वेट है 0.078। मतलब जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है 0.078 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब। बोला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में आपका वेट कितना है चेन का 0.08 न्यूटन, ठीक है प्यारे बच्चों। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्रॉस सेक्शन जो स्टील टेप है प्यारे बच्चों उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना है प्यारे बच्चों 30 मीटर, लेंथ आपका कितना है 30 मीटर। अब देखिए पुल कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, पुल भी आपको दिया हुआ है 100 न्यूटन, पुल भी आपको कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको यह बताइए सैग करेक्शन के केस में आपको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है बताइए। सैग करेक्शन के केस में फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू बटे 24 pm का होल स्क्वायर। तो पहले बच्चों pm तो हमको पता है 100 न्यूटन, लेंथ भी हमको पता है, लेंथ कहां पहले बच्चों लेंथ भी हमको पता है 30 मीटर। हमको पता होना चाहिए W जो पता होना चाहिए प्यारे बच्चों वो न्यूटन में या केजी में पता होना चाहिए, बट यहाँ पे वेट जो दिया हुआ है न्यूटन सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर वेट निकालना होगा प्यारे बच्चों 0.078 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या चीज से, अगर हम इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब में, तो वेट इन न्यूटन निकलेगा या नहीं, वेट इन न्यूटन निकलेगा कि नहीं, सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। तो वेट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.078 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए यहां दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना प्यारे बच्चों 0.08 एंड लेंथ कितना है 30 मीटर ना, तो लेंथ जब 30 मीटर है प्यारे बच्चों, लेंथ जब इसका 30 मीटर है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में 30 × 8 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 0.078 × 0.08 × 30 × तो अब जाके निकला प्यारे बच्चों ये वेट, ये टोटल वेट है आपका स्टील टेप का, ये आपका क्या है टोटल वेट ऑफ स्टील टेप, ये कितना है टोटल वेट ऑफ स्टील टेप। अब देखिए प्यारे बच्चों पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए इसको। देखिए प्यारे बच्चों ये आपका हो गया, देखिए W पता है आपको, L पता है आपको कितना 30 मीटर, PM भी पता है तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। बट यहां पे झमेला क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है 3 equal span of 10 meter। प्यारे बच्चों आपका टोटल लेंथ कितना है 30 मीटर है ना, और कितना स्पैन में कैलकुलेटेड है 10 मीटर ईच है, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 100 मीटर नहीं है 100 न्यूटन पुल है प्यारे बच्चों, लेंथ आपका टोटल कितना है 30 मीटर। तो देखिए 10 मीटर का अगर स्पैन होगा तो 10 मीटर और कितना हो जाएगा 10 मीटर, तो कितना स्पैन हो गया प्यारे बच्चों 3। नंबर ऑफ इक्वल स्पैन कितने हो गए एन बराबर 3। अगर स्पैन का बात नहीं करता, वो स्पैन का बात नहीं करता तब तो कोई झंझट नहीं था, बट ये क्या बोला है 3 equal 10 meter के इक्वल स्पैन में डिवाइड है, 10 meter के इक्वल स्पैन में डिवाइड है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3। क्यों 3 हो गया प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका 30 meter है ना,
30 मीटर को इक्वल इक्वल 10 मीटर में करेंगे तो कितना इक्वल स्पैन आएगा, 3। जितने इक्वल स्पैन्स आएंगे उससे आपको डिवाइड करना होगा, दैट मीन सी एस का फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब बटे 24 एन पी एम का होल स्क्वायर। अगर सपोर्टेड है आपका चेन लेंथ प्यारे बच्चों तो आपको एन से डिवाइड करना होगा, और यहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ इक्वल स्पैन्स, नंबर ऑफ इक्वल स्पैन। तो इक्वल स्पैन्स कितना हो जाएंगे, 10 10 10, मतलब 3 स्पैन्स है। तो आपको क्या करना होगा, W पता प्यारे बच्चों, L पता प्यारे बच्चों, 24 तो नंबर है, N का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, और PM आपका कितना प्यारे बच्चों, 100 न्यूटन। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा, सैग करेक्शन निकल कर आ जाएगा। और प्यारे बच्चों याद रखना है कि सैग करेक्शन हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि किसी भी स्लोपिंग ग्राउंड का चेनिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। चेनिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, चेनिंग का मतलब होता है किसी भी स्लोपिंग ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना। बात समझ में आया, चेनिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी स्लोपिंग ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना। प्यारे बच्चों वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, दैट मीन चेनिंग करने के लिए किसी स्लोपिंग ग्राउंड का, दो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में 3 मेथड्स आए थे, सारे मेथड्स को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। तो प्यारे बच्चों वो सवाल पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, और पूछने का चांस भी आपके एग्जाम में है ना, तो SVT एग्जाम में प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आपके सेमेस्टर एग्जाम में। और फिर हमने पढ़ा सैग करेक्शन कहते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है, और सैग करेक्शन हमेशा निगेटिव होता है। उसके आए हुए क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करेंगे उसके बारे में भी हमने आपको बताया। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे कुछ और करेक्शन के साथ। एंड कुछ ही मतलब आप तो इसके बाद जो लेक्चर बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, आपका चेन सर्वेइंग समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से, मतलब एक और लेक्चर जाएगा और आपकी तरीके से चेन सर्वेइंग पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लीजिए।